बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? ए असम, बी गोवा, सी अरुणाचल प्रदेश या डी बिहार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के कोतवाली चौक व किला घाट इमामबाड़ा में पैकरों का उपद्रव, पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिस वाले हुए घायल। भागलपुर में मुहर्रम की आठवीं पर शुक्रवार देर रात कोतवाली चौक और किला घाट इमामबाड़ा में पैकरों ने जमकर उपद्रव मचाया। वहीं आपको बता दें कि कोरोना को लेकर सरकार ने हर तरह के धार्मिक आयोजन पर रोक लगा रखी है, फिर भी भारी संख्या में पैकर सड़क पर निकल पड़े और इमामबाड़ा में घुसने का प्रयास करने लगे। कोतवाली चौक और किला घाट इमामबाड़ा में पहले से बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे पैकरों ने तोड़ दिया। पैकरों को पुलिस ने रोकना चाहा तो वे पुलिस से ही उलझ गए और मारपीट करने लगे। वहीं किला घाट इमामबाड़ा से पुलिस ने पैकरों को खदेड़ दिया तो वे लोग कोतवाली चौक इमामबाड़ा पहुंच गए, वहां भी बैरिकेडिंग को तोड़ने लगे। वहीं पुलिस द्वारा रोका गया तो मारपीट की घटना और पथराव कर दिया गया। पथराव में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि किला घाट और कोतवाली चौक पर हुए हंगामे को लेकर दो अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पुलिस उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई करेगी। मुहर्रम 30 तारीख को मनाया जाना संभावित है और उसको लेकर के पुलिस और प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था किया गया है। शांति समिति की बैठक की गई है, जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार के कोई धार्मिक जुलूस नहीं ले जाने का माननीय जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है, अपील किया गया है, उसके माध्यम से तो किसी भी प्रकार का कोई जुलूस नहीं ले जाना है। इसका लगभग सभी लोग पालन कर रहे हैं, परंतु आज ये पाया गया है कि कुछ लोग जो कि काफ़ी युवा वर्ग के हैं, उनके द्वारा इसका वायलेशन किया गया है और उसको पुलिस के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया और जब नहीं मान रहे थे तो उनको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाया गया है। कल भी ऐसी संभावना है कि कुछ लोग जो पूर्व के वर्षों में देखा गया है कि कल भी लोग धार्मिक जुलूस निकालते रहे हैं, मतलब मुहर्रम के एक दिन पहले, तो उसको लेकर के कल की किसी भी प्रकार की कोई समस्या कल नहीं हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है और अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। रैफ भी भागलपुर में आज शाम में आया है, उसको भी हम लोग कल प्रतिनियुक्ति करेंगे। कल और कल से लेकर के मुहर्रम की समाप्ति तक सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो कोरोना के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार ही कार्रवाई करें, किसी भी प्रकार का धार्मिक जुलूस नहीं निकालें। जिस प्रकार जो व्यवस्था उसको आपसी सहमति से निकाली गई है कि अपने अपने इमामबाड़े में या अपने अपने घरों में पूजा करें और जुलूस के शक्ल में कोई भी भीड़ को नहीं निकालें, तो इसका आप लोग सख्ती से पालन करें और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जवान भी घायल, ऐसी अभी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन हम लोग इसमें दो FIR करा रहे हैं, एक कोतवाली थाना के आसपास जो समस्या उत्पन्न हुई थी और एक ततारपुर थाना में मंगरोजा चौक के पास जो समस्या उत्पन्न हुई। थैंक यू। भागलपुर में कोविड 19 की रोकथाम व लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार द्वारा भागलपुर के तमाम शहरी इलाकों और मुख्य बाजार के दुकानों के साथ ही कंटेनमेंट जोन के क्षेत्रों की जांच की गई। लोगों द्वारा मास्क व सैनिटाइज व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को दुकान या प्रतिष्ठान सील करने की चेतावनी दी गई। मॉल व दुकानों में जाकर जिलाधिकारी प्रणव कुमार व SSP आशीष भारती ने दुकानों में ज्यादा
भीड़ न लगाने के निर्देश दिए। वहीं मुहर्रम की 8वीं को शुक्रवार की रात कोतवाली थाना वकीला घाट इमामबाड़ा के पास हुए उपद्रव के मद्देनजर डीएम प्रणव कुमार व एसएसपी आशीष भारती, एसडीएम आशीष नारायण, सिटी एसपी सुशांत सरोज किला घाट पहुंचे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने माइकिंग कर लोगों को मेला जुलूस व भीड़ न लगाने का निर्देश दिया। साथ ही एसएसपी ने भी लोगों को कहा कि वे नियम को न तोड़े, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इनको रोकिए, ये लोग जो बच्चे लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग जाइए, आप लोग घूम रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, नशे में आ रहे हैं। आप लोग अपने अपने घर में करें, अपने अपने इमामबाड़ा में करें, यहाँ पे अनावश्यक भीड़ नहीं लगाए। अगर यहाँ पे भीड़ लगेगी, कोई इलाज में नहीं निकला है, एक बार हो गया तो फिर काफी समस्या हो सकती है, खास करके बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी समाज में अमन चैन है उसमें पुलिस और प्रशासन के द्वारा आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन उस कार्रवाई से ज्यादा आप बीमारी के भी आप में ज्यादा वो फैल सकता है, उसकी प्रवृत्ति आप में फैलने की ज्यादा रहेगी, और अगर एक परिवार में किसी एक को हो गया तो पूरे परिवार को हो जाएगा। तो इस बार सभी लोग अपने घर में पूजा करना है, अपने इमामबाड़े में पूजा करना है, इंडिविजुअली जुलूस के तौर पे नहीं। कुछ लोग यहाँ पे भी दिख रहे हैं ग्रुप में, जैसे यहाँ पे चार व्यक्ति दिख रहे हैं, इस तरीके से नहीं घूमना है, पुलिस पकड़ के आप लोगों को कार्रवाई कर देगी। अपने अपने घर में जाए, गाइडलाइन जारी किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक जुलूस या 3-4 आदमी से ज्यादा का कहीं पर भी जमावड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे या कहीं और भी जगह जो जानकारी मिलती है, कुछ लोग पैकर बन के इमामबाड़ा से एक इमामबाड़ा से दूसरे इमामबाड़े तक जाते हैं और जो गति की ओर जा रहा है, धीरे धीरे कोरोना के केस कम हो रहे हैं, उसमें सहयोग करें, उसको बढ़ाने में अपना सहयोग मत करें, यही आप लोग से कहना है। एक दिन की बात है, ये इबादत आपने अपने घर में और अपने इमामबाड़े में करनी है, हम लोग कई बार इसको रिपीट कर चुके हैं, यदि इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो आप लोग इस बार घर में ही अपनी इबादत करनी है, इमामबाड़े में इबादत करनी है। लेकिन कल भी हम लोगों ने देखा कुछ लोग नासमझ लोग जो कि पूरे समाज को परेशान कर सकते हैं, उन लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की और इस तरह का जमावड़ा करने की कोशिश की जिसके कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस मैसेज को पूरी तरह से फैलाएं और यहाँ पे जमावड़ा होने से रोकें। जमावड़ा नहीं होना है, इबादत बढ़िया से करें, पूरी अच्छे तरीके से करें, लेकिन अपने इमामबाड़ा में करें, अपने स्थानीय जगह पर करें, एक दूसरे जगह जाकर के जुलूस के साथ पैकर लोग दौड़ रहे हैं इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये मनाही है और आपके सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के द्वारा मनाही है, आपके सिया वक्फ बोर्ड के द्वारा मनाही है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा मनाही है, राज्य सरकार के द्वारा मनाही है और स्वास्थ्य विभाग ने इसकी मनाही की है। इसके बावजूद इस तरह का यदि कोई चीज पाया जाता है तो अनावश्यक रूप से न सिर्फ समाज के लिए आप परेशानी का सबब होंगे बल्कि प्रशासनिक कार्रवाइयों को भी आपको सामना करना पड़ सकता है। क्यों इसको बाधित हम लोग को करना है? सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, किला घाट मुहर्रम कमेटी, सिया वक्फ बोर्ड, पूरे बिहार भर में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सभी ने ये इल्तिजा की है, ये गुजारिश की है कि किसी भी तरह के अखाड़े जुलूस का आयोजन नहीं करना है। आप सभी जागरूक लोग हैं, इस तरह का यदि किया जा रहा है तो आपके लिए हमारे लिए ही खतरनाक है। कहीं पर 10 आदमी जुट रहे हैं, कोई एक दूसरे को नहीं पहचान रहा है, किस व्यक्ति में इंफेक्शन है नहीं पता, स्वस्थ है इन्फेक्शन है पता भी नहीं चलता, लेकिन दूसरे को होता है तो उसको कष्ट हो सकता है। हो सकता है किसी को इन्फेक्शन हो, किसी को कोरोना हो, लेकिन उसको कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे को फैलाने में कहीं कमी नहीं है, दूसरे को फैल जाएगा और उसको लक्षण भी आएंगे, तबीयत भी खराब हो सकती है। उन्हीं चीजों को लेकर के आप सभी ने हम सभी ने मिलकर ये तय किया। लेकर के पूरे सुबह में आज की
धारा वगैरह ताजिया का नहीं निकालेंगे लोग, उसको लेकर भी लोगों को सचेत किया गया है और ये अपेक्षा की गई कि इस तरह किसी भी तरह की भीड़ या जमावड़ा नहीं करेंगे। और पूरे ज़िले में ये अभियान चलाया जा रहा है, खासकर जो मास्क वाला है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, ऐसे लोग जो कि गलत कर रहे हैं उनको पकड़ के कार्रवाई की जाए। मुहर्रम तैयारी को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन स्तर से सभी प्रकार की तैयारी कर ली गई है। नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने कार्यभार संभालते हुए लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र में विधि व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शनिवार को SDPO के नेतृत्व में नौगछिया शहर में विधि व्यवस्था के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च नौगछिया थाने से निकलकर मार्च करते हुए गौशाला रोड, मेन रोड, मुमताज मोहल्ला, जामा मस्जिद रोड, मक्खा तकिया, उजानी तक गई। इस दौरान उन्होंने कोरोना के मद्देनजर लोगों को भीड़ भाड़ नहीं लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की है। वहीं मौके पर नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा, राजकुमार सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद थे। ताजिया है वहाँ देख लीजिए, पुराने 5 साल का देख लीजिए, देख लीजिए वही निकाल करके हम लोग बनाते हैं, वही तो सेट लीजिए है। आई है बोले नवगछिया SDPO दिलीप कुमार, क्राइम कंट्रोल पहली प्राथमिकता। नौगछिया के नए SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि नौगछिया में क्राइम कंट्रोल करना उनकी पहली प्राथमिकता है, साथ ही पुलिसिंग आम लोगों के लिए हो और नौगछिया के आम लोगों से पुलिस का बेहतर संबंध हो, यह भी उनकी प्राथमिकताओं में है। दिलीप कुमार ने कहा कि जहां भी उन्होंने अपना काम किया है अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है, नौगछिया में भी लोगों को अच्छी से पुलिसिंग दें इसके लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पीड़ित लोगों को सौ समय न्याय के करीब ले जाएं, इसका वे सदैव ध्यान रखेंगे, इसलिए समय से कांडों का पर्यवेक्षण करना और सौ समय कांडों का निष्पादन करना भी उनकी प्राथमिकताओं में है। अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आते ही सभी पुलिस पदाधिकारी को उन्होंने क्षेत्र में सघन गश्ती करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को हर वक्त पुलिस की मौजूदगी का एहसास हो और लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो, इसके लिए वो सदैव ध्यान रखते हैं। नवगछिया में मास सिंह अभियान में 50 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया SP स्वप्नाजी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 50 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 2500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं इस अभियान में 3 वाहन से 3000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नौगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए।
फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 93043-67-170। गोपालपुर के चपरघट में मिला एक कोरोना संक्रमित। पीएससी गोपालपुर द्वारा रविवार को मध्य विद्यालय चपरघट में 100 ग्रामीणों की जांच करने पर एक ग्रामीण कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उक्त जानकारी स्वास्थ्य प्रबंधक अतीश कुमार राय ने दी। नवगछिया के छोटी पर्वत्ता से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। घर में रखे थे 462 लीटर शराब बरामद। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वत्ता गांव से इस्माइलपुर पुलिस एवं पर्वत्ता पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर छोटी पर्वत्ता निवासी संजय कुमार है। पुलिस ने संजय कुमार के घर से ही शराब की बरामदगी की है। उसके घर से विभिन्न ब्रांड का 462 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि छोटी पर्वत्ता में शराब तस्कर भारी मात्रा में विदेशी शराब को तस्करी के लिए स्टॉक किए हुए है। सूचना मिलने पर टीम का गठन किया गया। टीम में इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष रमेश शाह, पर्वत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव सहित पुलिस बल को शामिल किया गया था। स्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में हुए कटाव को रिस्टोर करने का कार्य जारी। 2-3 दिन पूर्व हुए स्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में कटाव को रिस्टोर करने का कार्य जारी कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हाथी पांव तकनीक से क्षतिग्रस्त हुए भाग को सील करने का कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। हालांकि जलस्तर में धीरे धीरे कमी हो रही है, परंतु इसके बावजूद विभिन्न स्परों पर पानी का दबाव काफी बना हुआ है। नवगछिया मजदूर सेल के जिला अध्यक्ष गौरी शंकर यादव एवं प्रखंड अध्यक्ष बने राम नरेश यादव। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में शनिवार को बूथ कमेटी की मजबूती को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अलक रंजन पासवान ने किया। इस दौरान गौरी शंकर यादव को मजदूर प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष एवं किसान प्रकोष्ठ का गोपालपुर प्रखंड अध्यक्ष राम नरेश यादव को मनोनीत किया गया। वहीं जदयू छोड़कर विजय प्रसाद ठाकुर और ज्योतिष ठाकुर ने राजद की सदस्यता लिया। बैठक में जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल, युवा नेता शैलेश यादव, कोषाध्यक्ष मनोज यादव, आपदा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अशोक यादव, जिला प्रवक्ता विश्वास झा सहित कई अन्य उपस्थित थे। चक्का जाम को सफल बनाने को लेकर ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने की बैठक। एक दिवसीय सम्मेलन के बाद शनिवार को नवगछिया के खगड़ा में प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिलाध्यक्ष के साथ चक्का जाम पूरी तरह बिहार में सफल बनाने को लेकर बैठक आयोजित किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने बताया कि अगर सरकार 12 सितंबर तक दिए गए ज्ञापन की मांगों को पूरा नहीं करेगी तो 13 सितंबर की आधी रात से पूरे बिहार में ट्रकों का चक्का रुक जाएगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। इस बार की लड़ाई ट्रक मालिकों की सहयोग से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला में जनसंपर्क अभियान चलाने एवं बिहार में चलने वाली ट्रकों पर सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ स्लोगन लिखकर चिपकाया जाएगा। नवगछिया भाजपा कार्यालय में गोपालपुर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा चुनावी मूड में आ गई है। शनिवार को भाजपा कार्यालय में गोपालपुर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल की अध्यक्षता में हुई, जबकि कार्यक्रम का संचालन विधानसभा संयोजक ने किया। मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज हम गर्व से आम आवाम के बीच कह सकते हैं कि 60 साल बनाम 6 साल भारत के ऐतिहासिक कालखंड के लिए महत्वपूर्ण है। नवगछिया लोजपा सेक्युलर का एक दिवसीय बैठक संपन्न। नवगछिया में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह समीक्षा कार्यक्रम में लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि वर्तमान सत्ता में जनता का मोह भंग हो गया है। सभी सरकारों ने पिछले 30 वर्षों में दलित और अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम भरोसे शर्मा ने कहा अब जग गया है, वर्षों से उपेक्षित अब यह समाज इस बार सत्ता में अपनी भागीदारी को जरूर सुनिश्चित करेगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437।